Present. Good morning, all of you guys. How are you doing all? I hope that you all staying well, you all staying safe, you all staying healthy, you all staying happy. I am Dr. Avi, watching this essential knowledge for you. You are most welcome my YouTube channel. If you are new to our YouTube channel, if you haven't subscribed our YouTube channel yet, so kindly subscribe to our YouTube channel and kindly hit the bell icon button press for watch more videos. So guys, I am back bring with any new video again guys. So guys, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ गाइस. सो गाइस, आप सभी का वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में. अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो. साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको प्लीज प्रेस करना बोले, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल पर डेली में कोई ना कोई भी डालते हैं. तो आज वीडियो हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन मर्क सॉल के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. सो आज की वीडियो में यही मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा किस डिजीज में इस मेडिसिन को यूज किया जाता है, किन बेसिस काम आती है, कितनी इंपॉर्टेंस में मेडिसिन आती है, कैसे आप इसका यूज आप कर सकते हैं, कैसे आपको यूज करनी है, कितने डोज आपको यूज करनी है, कितने टाइप को यूज करनी है. सो आज ये कंप्लीट नॉलेज मैं आपको दूंगा. सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर जरूर करें. चैनल पर नए चैनल को प्लीज शेयर जरूर करें, फॉलो जरूर करें. सो गाइज, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड कीप स्प्रेडिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो एवरीवेयर एंड डू स्प्रेड दिस वीडियो एवरीवेयर. सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस. आपको बताया था किस डिजीज में इस मेडिसिन को यूज किया जाता है, किन में से काम आते हैं. सो अगर इसमें यूज की बात करूँ गाइस, बहुत सी बीमारी काम आती है, काफी डिजीज में इसको जो है यूज किया जाता है गाइस. सो गाइस, मैं बताया था उसके कुछ ऐसे स्पेसिफिक यूज हो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं, आप सभी काफी ज्यादा लाभदायक हो सकता है गाइस. सो गाइस, ये जो है माउथ अल्सर के लिए काफी अच्छी मेडिसिन, जैसे माउथ अल्सर से बात करूँ, माउथ में ब्लिस्टर जैसे हो जाते हैं, छाले जैसे निकल आते हैं गाइस, उसके लिए काफी अच्छी मेडिसिन है गाइस ये. लाइक डायबिटीज के लिए काफी अच्छी मेडिसिन, दस्त वगैरह जैसे लग जाते हैं, लूज मोशन जैसे लग जाते हैं गाइज, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है गाइज ये. लाइक ये बात करूँ गाइज, एक थ्रोट के इन्फेक्शन की काफी अच्छी मेडिसिन है गाइज. जैसे कि बात करूँ गले में कोई भी इन्फेक्शन जैसे हो जाता है गाइज, लाइक बात करूँ गला जैसे बैठ जाता है, लाइक गले में स्वेलिंग जैसे आ जाती है, सूजन जैसे आ जाती है गाइज, लाइक गले में खराश जैसे रहती है गाइज, उसके लिए काफी अच्छी मेडिसिन है गाइज ये. लाइक बात करूँ आइज के इन्फेक्शन लिए काफी अच्छी मेडिसिन, आइज में कोई भी इन्फेक्शन जैसे हो जाता है, लाइक आंखों में कोई भी संक्रमण जैसे हो जाता है गाइज, लाइक आइज में ईचिंग जैसे होने लगती है, लाइक आइज में लाइक बात करूँ वाटरिंग जैसे होने लगती है, लाइक आइज ड्राइनेस जैसे रहती है, उसके लिए काफी अच्छी मेडिसिन है गाइज ये. लाइक ईयर्स के लिए काफी अच्छी मेडिसिन, आपके जैसे कानों में कोई भी संक्रमण जैसे हो जाता है गाइज, लाइक उसके लिए काफी अच्छी मेडिसिन है गाइज ये. लाइक बात करूँ फीवर के लिए काफी अच्छी मेडिसिन, फीवर जैसे हो जाता है, फीवर जैसे आ रहा है गाइज आपको, उसके लिए काफी अच्छी मेडिसिन, फीवर में आप इसको यूज आप कर सकते हैं गाइज. लाइक कैटरडीज के लिए काफी अच्छी मेडिसिन, कैटरडीज जैसे बात करूँ गाइज, जैसे जुकाम वगैरह हो जाता है, लाइक उसके लिए आप इसको यूज आप कर सकते हैं गाइज. लाइक एम्पायरमेंट मेमोरी के लिए काफी अच्छी मेडिसिन, जैसे कि बात करूँ आपकी जो है मेमोरी है, जो सोच नहीं सकते हैं वो बहुत ज्यादा वीक है, आप सोच नहीं पाते हैं, लाइक आपको कुछ याद नहीं रहता है, फॉरगेटफुलनेस जैसे आप कहते हैं गाइज, उसके लिए आप इस मेडिसिन को यूज आप कर सकते हैं गाइज. वैसे डिजीज के लिए काफी अच्छी मेडिसिन है. लाइक बात करूँ उपदंश रोग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है गाइज, जैसे बात करूँ सुजाग रोग जिसे हम कहते हैं गाइज, और ये गाइज मेंस में सबसे ज्यादा होता है गाइज ये. लाइक बात करूँ मर्दों में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है. लाइक बात करूँ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट जैसे रखते हैं गाइज, जो ओवर एज वाली जो लेडीज होती है, लाइक महिला होती है, उनके साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट जैसे रखते हैं गाइज, उस रीजन से डीज हो जाते हैं गाइज, जो कि सेप्लाई डीज होती है गाइज. लाइक बात करूँ गाइज, एक मम्स डिजीज के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जैसे मम्स में स्वेलिंग जैसे आ जाती है, लाइक गिटली में स्वेलिंग जैसे आती है, गले की जो ग्रंथि होती है उसमें सूजन जैसे आ जाती है, उसके लिए काफी अच्छी मेडिसिन है गाइज ये. लाइक बात करूँ वाउंड हीलिंग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन, जैसे घाव जैसे हो जाते हैं, घाव जैसे बनने लगते हैं और घाव भर नहीं पाते, वाउंड हील नहीं हो पाता है गाइज, उसके लिए काफी अच्छी मेडिसिन, जैसे कि पस वगैरह बनने लगती है, पीप वगैरह बनने लगती है, पस बाहर निकलने लगती है, लाइक घाव सही से भर पाता है, लाइक काफी लंबे से हो रहा है गाइज, उसके लिए काफी अच्छी मेडिसिन है गाइज. ऑयल्स के लिए काफी अच्छी मेडिसिन, जैसे बात करूँ फोड़े जैसे निकल आते हैं, लाइक बात करूँ फोड़ा काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, पस वगैरह सब बन जाती है, पीप वगैरह निकलने लगती है और वो सूखती नहीं है गाइज, लाइक काफी ज्यादा जैसे दिक्कत देती है, दर्द उसमें होता है गाइज, और वो पस बाहर निकलती रहती है गाइज. सो गाइज, उसको सुखाने के लिए, उसको जो है बात करूँ रिकवर करने के लिए, ठीक करने के लिए काफी अच्छी मेडिसिन है गाइज. लाइक एक एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए तौर पर यूज आप कर सकते हैं, संधिवा जिसे हम कहते हैं गाइज, और वो काफी लंबे समय से आपको रहेगा गाइज. लाइक इसमें आपको सिम्टम्स आपको बताऊँ क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें गाइज. सो गाइज, लाइक बात करूँ गाइज, एक जो इनडाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी इस मेडिसिन में यूज आप कर सकते हैं. बात करूँ गाइज, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, लाइक पच नहीं पाता है गाइज, उसके लिए आप इस मेडिसिन यूज आप कर सकते हैं गाइज. सो गाइज, इसको इन डिजीज में सबसे इसको जो है यूज किया जाता है. बता देता हूँ क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इस मेडिसिन गाइज आपको. लाइक बात करूँ सिम्टम्स की, अगर कोई व्यक्ति कहता है लाइक वो उसको जो है रात में जो प्रॉब्लम जिसको ज्यादा बढ़ती है गाइज, जब वो सोने वाला था, जब बिस्तर पर जाना होता है, बिस्तर पर सोता है, जब इसको प्रॉब्लम उसको बढ़ जाती है गाइज. लाइक बात करूँ उसको जो है एक्सेसिव हॉटनेस को फील नहीं होती, लाइक बात करूँ एक्सेसिव कूलनेस को जो है सहन नहीं होती, लाइक टॉयलेट नहीं कर पाता है गाइज, उसको जो है बात करूँ जो ज़्यादा उसको गर्मी सहन नहीं होती, लाइक उसको ज़्यादा ठंडी उसको सहन नहीं हो पाती गाइज. लाइक बात करूँ गाइज, जैसे कि लेफ्ट साइड जैसे लेटता है गाइज, उसको उसको प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है गाइज.
लाइक मैं आपको बात करूँ, रात में पसीने उसको ज़्यादा आता है गाइस, लाइक उससे उसके प्रॉब्लम उसको बढ़ जाते हैं। लाइक जब वो फ्रेश होता है, जब बात करूँ पकाने जब करता है, जब फ्रेश होने जाता है गाइस, और फ्रेश होने के बाद उसको जैसे प्रॉब्लम उसको बढ़ते गाइस, लाइक इसमें सिम्टम्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। बता दूँ फीवर डिजीज में क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इस मेडिसिन के। सो गाइस सिम्टम्स की बात करूँ, अगर कोई व्यक्ति करता है लाइक फीवर जो उसको आता है, लाइक सीवरिंग कंडीशन जैसे उसको हो जाती है, लाइक झाड़ा से चढ़ने लगता है, ठंड उसको लगने लगती है गाइस, लाइक उसको निमोनिया से उसको हो जाता है, लाइक उसको ब्रोंकाइटिस डिजीज उसको हो जाती है गाइस, फेफड़े में कोई भी उसको प्रॉब्लम उसको होने लगती है गाइस, लाइक उसको कफ डिजीज उसको हो जाती है गाइस, लाइक सीवरिन कंडीशन में जो हो रही है गाइस उसके लिए बहुत जो है इसमें सिम्टम्स आपको देखने को। बता दूँ डायरिया डिजीज में क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इस मेडिसिन का। सो गाइस सिम्टम्स की बात करूँ, लाइक जब डायरिया जब आते हैं, लाइक उसको जो है मरोड़ जैसे उसको रहते हैं, क्रम्पिंग पेन जैसे उसको रहता है, पकाने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा उसको जिसकी बात करूँ पेट में दर्द उसको रहता है, लाइक उसको गैठन से उसको पेट में रहते हैं डायरिया होने के बाद। सो गाइस इसमें यही सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे स्पेशली डायरिया डिजीज में। कहता हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज में क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इस मेडिसिन, जैसे बात करूँ संधिवा जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इस मेडिसिन का। लाइक बात करूँ जैसे कि जो डिजीज है, अगर बात करूँ संधिवा जो रात में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जैसे देता है, लाइक बिस्तर में जब जाती है जाने वाला, तो जब ये प्रॉब्लम उसको बढ़ जाती है, लाइक जब वो जब बात करूँ जो पसीने से ज़्यादा उसको आता है, लाइक बात को गाइस जैसे वो जो है लेफ्ट साइड से करवट लेता है गाइस, उसको प्रॉब्लम उससे बढ़ जाती है संधिवाद जिसको जो है होने लगता है गाइस, लाइक उसके यही सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे संधिवाद के गाइस, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस गाइस। लाइक मैं आपको बताया था गाइस माउथ ब्लिस्टर में क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इस मेडिसिन, बता दूँ माउथ डिजीज में क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इस मेडिसिन गाइस। लाइक बात करूँ गम जैसे गम स्वेलिंग जैसे आ जाती है, मसूड़े से सूज जाते हैं, मसूड़े से खून जैसा आने लगता है, गम ब्लीडिंग जैसे होने लगती है गाइस। लाइक बात करूँ माउथ से जैसे कि बात करो हल्का हल्का ब्लड जैसे निकलने लगता है। लाइक बात करूँ टीथ में जैसे पेन जैसे रहता है, दांतों में दर्द जैसे रहता है गाइस, लाइक ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे स्पेशली गाइस। लाइक ये माउथ आल्सर के लिए भी जो है इसमें आपको जो बात को यूज आप कर सकते हैं, माउथ में जैसे की बात करूँ ब्रिस्टेज हो जाते हैं, सारे से निकल आते हैं, और बात करूँ जो है पक नहीं पाता अच्छा लगा, और वो जो है उसमें बात करूँ जलन सी से होने लगती है, सलाइवा जैसे निकलने लगता है, जब सलाइवा निकलता है थोड़ा आराम से लगता है, और बात करूँ पानी पीने का जैसे बात करो ड्राइनेस से रहती है, जैसे मुँह सूखा सूखा से जैसे रहता है। लाइक बात करूँ जब टंग जो है बहुत ही पिलपिली सी रहती है, बात को सॉफ्ट सी रहती है, और ये जो इसमें आपको सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे स्पेशली जैसे माउथ डिजीज में। मैं बताता हूँ कब डिजीज में क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इस मेडिसिन का। जब को लाइक बात को सिम्टम्स की, लाइक अगर कोई व्यक्ति कहते हैं जब खांसी जब उसको होती है, लाइक उसको कब जो है बिल्कुल ब्लू कलर का, नीले कलर का, हरे रंग का कब जैसे निकलता है, लाइक येलो कलर का निकलता है, येलो इससे पीले रंग का जैसे निकलता है, और काफ़ी ज़्यादा बात करूँ गंदी उसमें स्मेल जैसे आती है। लाइक आपको रात में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम से देती है कफ डिजीज, जैसे खांसी जो रोग जो है काफ़ी रात में ज़्यादा होता है गाइस, लाइक ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें गाइस। बता दूँ थ्रोट डिजीज में क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इस मेडिसिन का। जब कोई लाइक मतलब सिम्टम्स की सिम्टम्स है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है लाइक उसको गले में जैसे खराशी से उसके रहती है, शॉर्ट थ्रोट जैसे उसके रहता है गाइस, लाइक थ्रोट पेन जैसे उसके रहता है, गले में दर्द जैसे उसके रहता है, थ्रोट स्वेलिंग जैसे उसको आ रही है, जैसे गले में सूजन से उसको आ रही है गाइस, और ये जो रात में सबसे ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम जैसे रहती है, जब वो सोने वाला था जब इसको प्रॉब्लम उसको बढ़ती है गाइस। लाइक वो बात को कैसे जैसे वो ठंडा चीज जैसे ठंडी से खाता है, लाइक बात को ठंडी चीज जैसे वो खाता है, इसको प्रॉब्लम उसको बढ़ जाता है। बता दो मैक्सोल जो है ये कितनी पोटेंसी में आती है मेडिसिन से, होगा जी आती है 200 पोटेंसी में, 13 पोटेंसी में, 13 CH की पोटेंसी में, 3X की पावर में, 6X की पावर में, लाइक ये पिल्स फॉर्म में आपको एवरेज मिल जाएगी, टैबलेट फॉर्म में आपको एवरेज मिल जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आपको एवरेज मिल जाएगी, मदर टीचर में आपको एवरेज मिल जाएगी गाइस ये मेडिसिन। लाइक बात करूँ गाइस ये जो है मेडिसिन गाइस सेफ लाइफ डिजीज के लिए जो है, एक बात करूँ लीड फॉर्म में जो है, एक बात लीड इसका जो है बात करूँ जो है रोल है गाइस, जो कि उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है, जो उपदंश रोगों में जो है बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगी गाइस। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको मेडिसिन यूज़ करनी है, कैसे आपको लेनी है, कितने डोज आपको यूज़ करनी है, कितने ड्रॉप का यूज़ करनी है, किसके साथ आपको यूज़ करनी है, कितने टाइम को यूज़ करना है, सो गाइस आपको बता सकते हैं। सो गाइस आपको जो है ये आपको खाली पेट आपको यूज़ आप कर सकते हैं, और ये आप इसमें जो है 5-4 ड्रॉप यूज़ आप कर सकते हैं, 3 ड्रॉप यूज़ आप कर सकते हैं गाइस, और ये आप जो है यूज़ आप करें काफ़ी अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मैंने इस मेडिसिन की आपको कंप्लीट नॉलेज दे दी है। सो गाइस जब वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको प्लीज़ प्रेस करना भूलें, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर डेली में कोई ना कोई डाल देता हूँ गाइस। So guys, I hope you will like this video. So hard you will like this video, you can comment below and keep sharing this video and keep spreading this video and do share this video everywhere and do spread this video everywhere. So kindly subscribe to our YouTube channel and kindly hit the bell icon for watch more videos. So you can follow us on Instagram and you can follow us on Facebook page and you can follow us on Twitter page.
So keep yourself happy and keep yourself healthy and keep yourself safe. So until you stay connected with us, so meet in the next video. So thank guys and thanks for watching this video. So milte hain agle video mein, tab tak ke liye jai hind jai bharat. Apni family ka dhyan rakhe, apne parents ka dhyan rakhe, khud ka dhyan rakhe, khush rahe, swasth rahe, swasthi rahe. So guys, thank guys and thanks.